लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। गरीबों के लिए अन्न मिल रहा है, ये कॉरपोरेट घराने को मिल रहा है। किसानों को 20 लाख तक का फसल बीमा मिलने जा रहा है, तो कॉरपोरेट घराने को मिल रहा है। और छात्रों को, शिक्षकों को शिक्षा के लिए जो ऋण मिल रहा है वो कॉरपोरेट घराने के लिए मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी जो पप्पू के संबंध में रह गए हैं ना, उनका भी सोच और समझ भी उसी प्रकार का हो गया है। आज ये ऐसा बजट है जो युवाओं को रोजगार का अवसर दे रहा है। आज सबसे बड़ा बात है, हर क्षेत्र को इस बजट ने टच किया है। महिलाओं में उद्यमिता कैसे बढ़े इसकी चिंता की गई है। और बजट ने जहां सुरक्षा में भारत की सुरक्षा को सबसे प्राथमिकता देते हुए सबसे बड़ा बजट 5 लाख करीब 44 लाख करोड़ का बजट केवल बजट सुरक्षा के क्षेत्र में। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस बजट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। जब 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होगा तो इससे देश का जीडीपी भी बढ़ेगा और लोगों को रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। बजट के कई आयाम हैं, लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं तो कहूँगा तेजस्वी यादव जी आइए, अगर आपको बजट नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बैठ के बस बजट समझाऊंगा। अरे बिहार में वंदे भारत ट्रेन का सबसे अधिक जगह बिहार में है। अगर सड़क के क्षेत्र में 2,70,000 करोड़ रुपया का दिया गया है तो सबसे अधिक 5 एक्सप्रेसवे बिहार से गुजर रहा है। उनको देखना चाहिए ना कि कहाँ नहीं है। 2,70,000 करोड़ के जो रोड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करीब 35,000 करोड़ रुपया केवल बिहार के सड़कों के लिए है। तो जानकारी लेंगे तब ना, नहीं है तो हमसे आके ले लें। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।